एवरी वन, वेलकम टू इंजीनियरिंग फॉर यू। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे भाई पावर फ्लो इन डीसी मशीन। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस। मेनली लॉसेस मेरे पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके कॉन्स्टेंट लॉस और एक क्या होते हैं भाई वेरिएबल लॉस। कॉन्स्टेंट लॉस का मतलब ये है वो वाले लॉस जो मेरे करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, और जो वाले लॉस मेरे करंट के साथ वेरी करेंगे दैट इज नोन एज वेरिएबल लॉस। क्लियर? तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट लॉस में देखते हैं कौन कौन से लॉस मेरे आएंगे भाई कॉन्स्टेंट लॉस। तो सबसे पहले मेरे पास आते हैं भाई फ्रिक्शनल एंड बिंडेज लॉस। तो फ्रिक्शनल लॉस कैसे होते हैं भाई? ड्यू टू द मैकेनिकली, जो मैकेनिकल लॉस होते हैं दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल लॉस। ये किसकी वजह से हो सकते हैं भाई? बैरिंग के अंदर जो आपकी फ्रिक्शन होगी दैट इज अ बैरिंग की वजह से जो लॉस हो सकते हैं आपके। क्लियर? और दूसरे जैसे आपकी रोटर रोटेट करेगा उसकी वजह से जो लॉस आएंगे वो आपके हो जाएंगे, और वेंटिलेशन की वजह से मीन्स जो विंडेज लॉस होते हैं आपके, विंडेज लॉस इज अ ड्यू टू एयर। तो एयर कूलिंग के लिए हम यूज़ करेंगे मोटर को ठंडा करने के लिए, और जो पावर चाहिए होगी एयर को फ्लो करवाने के लिए उसकी वजह से जो लॉस होगी दैट इज नोन एज विंडेज लॉस। क्लियर है भी पॉइंट? और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो मेरे विंडेज लॉस होते हैं दैट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर, और जो मेरे बैरिंग लॉस होते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। भाई कई बार यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, तो आपको पता होना चाहिए भाई विंडेज लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर, बैरिंग लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। क्लियर? तो जो मेरे फ्रिक्शनल लॉस होते हैं ये बैरिंग की फ्रिक्शन की वजह से भी होंगे। क्लियर? और कैसे हो सकते हैं भाई? जैसे आपका कम्यूटेटर हो गया, कम्यूटेटर एंड ब्रशेस, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन होगी भाई आपकी। तो ये सारे लॉस मेरे किस में इंक्लूडेड होंगे? फ्रिक्शनल एंड बिंडेज लॉस। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल लॉस। समझ पा रहे हैं अभी इतनी बात? और ये मेरे लॉसेस क्या होते हैं राजे? कॉन्स्टेंट होते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा मेरे पास हो गया कोर लॉस। हाँ जी, कोर लॉस कौन कौन से होंगे? एक तो हिस्टेरेसिस लॉस होगा एंड एडी करंट लॉस होगा। आपने इन डिटेल देख रखा है भाई ट्रांसफॉर्मर के अंदर हिस्टेरेसिस लॉस कैसे होते हैं और एडी करंट लॉस कैसे होते हैं। जो मेरे हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं इन केस ऑफ डीसी मशीन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और जो एडी करंट लॉस होते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाँ जी स्पीड का स्क्वायर। आपको ये क्लियर है ना? जो आपके हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं दैट इज के एच बी एम का पावर 1.6 इंटू एफ, मतलब पी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर। क्लियर? और ये दोनों लॉस किस में आते हैं राजे? दैट आर द कॉन्स्टेंट लॉस। समझ रहे हैं पॉइंट? दीज आर द कॉन्स्टेंट लॉस। क्लियर? आगे फिर नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल लॉस। तो वेरिएबल लॉस के अंदर सबसे पहला मेरा लॉस आएगा आपका स्ट्रे लॉस। तो देखते हैं अभी स्ट्रे लॉस क्या होते हैं। वेरिएबल लॉस, तो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा भाई स्ट्रे लॉस। ये जो मेरे स्ट्रे लॉस होते हैं, स्ट्रे लॉस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट का स्क्वायर। ये पॉइंट आपका भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रे लॉस आपके वेरिएबल लॉस होते हैं। इसके बाद मेरे पास आ जाते हैं अभी कॉपर लॉस। क्लियर? तो आर्मेचर के अंदर जो कॉपर लॉस होते हैं आपको पता है भाई आई ए का स्क्वायर इंटू आर, ये किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस होती है उसकी वजह से जो मेरे लॉसेज होते हैं इसको क्या बोलते हैं? कॉपर लॉस। और इन्हीं कॉपर लॉस को बोलते हैं आई स्क्वायर इंटू आर लॉस। क्लियर? तो ये भी भाई लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि आई स्क्वायर आर लॉस कौन से होते हैं, दीज आर द कॉपर लॉस। समझ पा रहे हैं भाई इतनी बात? और सिमिलरली आपकी जो फील्ड है ये आपके पास आर्मेचर के अंदर हुए थे, आर्मेचर कॉपर लॉस ऐसे लिख लीजिए इसको, आर्मेचर कॉपर लॉस। क्लियर? सिमिलरली आपकी भाई फील्ड वाइंडिंग है, दो टाइप की वाइंडिंग होती है आपको पता है, एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है एक फील्ड वाइंडिंग होती है। फील्ड वाइंडिंग के अंदर भी क्या होंगे राजे? कॉपर लॉस होंगे। क्लियर? और कितने होंगे? आई एफ का स्क्वायर इंटू आर एफ, इतने भाई कॉपर लॉस होंगे। और मुझे एक चीज बताइए, जब मेरे पास सीरीज मोटर आ जाएगी, सीरीज मोटर के केस में जो मेरा फील्ड करंट होता है वही मेरा आर्मेचर करंट होता है, तो इन केस ऑफ सीरीज मोटर ये जो मेरे लॉस होंगे राजे वो क्या होंगे? वेरिएबल लॉस। समझ रहे पॉइंट? और बाकी जैसे शंट होगी, सेपरेटली एक्साइटेड होगी, ये सारे लॉस क्या रहेंगे राजे? कॉन्स्टेंट रहेंगे। क्लियर? क्योंकि मेरे पास
आई एफ मेरा कांस्टेंट होता है, आर एफ मेरा कांस्टेंट होता है, लोड के साथ ये वेरी नहीं करते हैं, इसका मतलब ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो इन केस ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड और आपकी शंट मोटर के केस में ये कांस्टेंट के अंदर आएगा, लेकिन अगर सीरीज मोटर है ये किस में ऐड होगा भाई, वेरिएबल लॉस में इंक्लूड होगा। क्लियर? तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लॉस होते हैं भाई आपके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं भाई पावर फ्लो डायग्राम। तो पावर फ्लो डायग्राम के लिए भाई देखते हैं क्या क्या चीज़ पॉसिबल है, कैसे कैसे पावर मेरी फ्लो करेगी। तो सबसे पहले मैं जनरेटर का केस देखता हूँ, फिर आगे मैं प्रोसीड करूँगा। तो सबसे पहले इन केस ऑफ जनरेटर देखिए भाई क्या क्या चीज़ होगी। तो जनरेटर के केस में इनपुट पावर आएगी भाई, इनपुट पावर कौन सी आएगी, मैकेनिकल पावर। मैं जनरेटर को रोटेट करूँगा अपने हाथ से या किसी प्राइम मूवर से, तो वो कौन सी टॉर्क की वजह से रोटेट करेगा, ड्यू टू मैकेनिकल टॉर्क, मतलब मैं उसको मैकेनिकल इनपुट दूंगा। क्लियर? जैसे ही मैकेनिकल इनपुट दिया तो सबसे पहले भाई आपको पता है उसमें फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉस होंगे, फ्रिक्शनल विंडेज लॉस, समझ रहे पॉइंट। फिर क्या हो जाएंगे आपके, हाँ जी, कोर लॉस हो जाएंगे। क्लियर? और ये दोनों के दोनों लॉस कौन से है भाई, दीज आर द कॉन्स्टेंट लॉस, कॉन्स्टेंट लॉस, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, नो लोड लॉस, नो लोड लॉस, और इनको क्या बोलते हैं राजे, मैकेनिकल लॉस, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जो चलो हो गया है, ये सारे इसको बोलते हैं। क्लियर है जी पॉइंट? आगे फिर मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, आर्मेचर के पास चली जाएगी, आर्मेचर के पास पावर कितना होगा, ई ए इंटू आई ए। क्लियर? आगे फिर क्या होगा इसके अंदर भाई, आपके पास आर्मेचर के कॉपर लॉस माइनस हो जाएंगे, आर्मेचर के कॉपर लॉस हो जाएंगे इसके अंदर। क्लियर? इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, फील्ड के मेरे लॉस हो जाएंगे, फील्ड के कॉपर लॉस हो जाएंगे, फील्ड कॉपर लॉस। क्लियर? फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, ब्रश कॉन्टैक्ट, जो ब्रश कॉन्टैक्ट है ये लॉस मेरे हो जाएंगे। क्लियर? ये मेनली 2 वोल्ट हम लेके चलते हैं। फिर मेरे पास पहुंचेगा इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर, समझ रहे भाई पॉइंट? और ये पावर कितना पहुंचेगा भाई, बी टी इंटू आई। क्लियर है जी पॉइंट? आई कौन सा, लोड करंट। क्लियर? अगर मैं जनरेटर की बात करूं, मान लीजिए मेरे पास डीसी शंट जनरेटर है, तो इस केस में क्या होगा, ये वाइंडिंग मेरी शंट में ऐसे लगी होगी। क्लियर है जी पॉइंट? ये मेरे पास ई हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आर ए हो गया। क्लियर? यहाँ पे क्या भाई, बी टी। तो जहाँ से करंट निकलेगा इसका मतलब इनपुट पावर कितनी होगी, हाँ जी जल्दी से बताइए, ई इंटू आई ए। क्लियर? फिर उसके अंदर से मैं कॉपर लॉस जे वाले माइनस कर दूंगा, जे वाले माइनस कर दूंगा, और फिर मेरे पास आउटपुट पावर पहुंच जाएगी। क्लियर? इसका मतलब आउटपुट पावर कितनी होगी, आई एल इंटू बी टी। इन केस ऑफ जनरेटर इनपुट पावर में अगर मैं बात करूं, अगर मैं इन लॉसेस को निगलेक्ट कर दूं, ये मेरी इनपुट पावर होगी, जिसको क्या बोलते हैं राजे, आर्मेचर पावर, आर्मेचर पावर। क्लियर? अगर ये लॉस मेरी निगलेक्टेड है जनरेटर के केस में, ये मेरी इनपुट पावर होगी। इन केस ऑफ जनरेटर पी इनपुट मैं लिख सकता हूँ भाई ई इंटू आई ए, और आउटपुट पावर कितनी हो जाएगी, बी टी इंटू आई ए। क्लियर? ये मेरी आउटपुट पावर हो जाएगी, बी टी इंटू आई ए। क्लियर? लेकिन इस केस में क्या होगा, शंट का करंट आपने न्यूमेरिकल देखे थे वेरी स्मॉल था भाई, तो आई ए और बी टी, सॉरी आई ए, मेरा अप्रोक्सीमेट क्या होगा, इक्वल टू आई एल ही होगा, इसलिए मैं बोल सकता हूँ बी टी इंटू आई ए इज द आउटपुट पावर इन केस ऑफ जनरेटर। क्लियर? अगर मोटर होता तो मोटर में हम यहाँ पे इनपुट सप्लाई देते, इनपुट कितना देते, बी टी इंटू आई एल, उसके अंदर ब्रश लॉस माइनस कर दो, फील्ड वाइंडिंग के लॉस माइनस कर दो, कॉपर की वाइंडिंग, सॉरी आर्मेचर की वाइंडिंग के लॉस माइनस कर दो, आपके पास क्या मिलेगा, आउटपुट पावर इतना मिलेगा। उसके अंदर से अगर मैं ये फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉस माइनस कर दूं तो क्या मिल जाएगा, आउटपुट पावर मिल जाएगा, जो मेरी शाफ्ट के ऊपर आएगी। क्लियर? इसका मतलब इन केस ऑफ मोटर, मोटर के केस में ऐसे चलेगा सर्कल, जनरेटर के केस में हम ऐसे ऐसे चलेंगे। क्लियर है जी पॉइंट? तो इन केस ऑफ मोटर इनपुट पावर कितना होता है भाई, बी टी इंटू आई ए, और पी आउटपुट कितना होता है भाई, ई ए इंटू आई ई। क्लियर है जी पॉइंट? तो दोनों पॉइंट भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, जे आपका जनरेटर के केस में हो गया, जे आपका मोटर के केस में हो गया। क्लियर? तो एफिशिएंसी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इस आपकी पावर फ्लो डायग्राम के साथ ही सॉल्व होंगे भाई। तो आगे फिर कुछ कंडीशन देख लेते हैं भाई, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेवलप्ड पावर। क्लियर? जे भी भाई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या कंडीशन होती है आपकी मैक्सिमम पावर डेवलप करने की। क्लियर? तो लिखिए कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप्ड,
हाँ जी, सबसे पहले देखते हैं इन केस ऑफ जनरेटर। तो ये सारियां जो कंडीशन मेरे पास आएंगी ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट होगी, क्लियर। तो पी आउटपुट किसके इक्वल होता है इन केस ऑफ जनरेटर, दैट इज बी टी इंटू आई ए होता है कि नहीं, क्लियर। अगर मैं मैक्सिमम पावर की बात करूं और जनरेटर के केस में ई किसके इक्वल होता है, बी टी प्लस आई ए इंटू आर ए होता है, ये भी आपको क्लियर है, क्लियर। और मुझे एक चीज बताइए, मुझे चाहिए कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेवलप पावर। तो मैक्सिमम डेवलप पावर कैसे आएगी, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू आई ए और इक्वल टू क्या कर दूं, जीरो कर दूं, क्लियर। अगर मैं यहां से बी टी की वैल्यू निकालूं इन टर्म ऑफ ई और यहां पे पुट कर दूं, तो देखिए क्या आएगा, बी टी की वैल्यू कितनी आएगी, ई माइनस आई ए आर ए। इसको ऐसा करिए, यहां पे पुट करिए, तो देखिए कितना आएगा, ई माइनस आई ए आर ए इंटू आई ए, ये आ जाएगा मेरे पास पी ऑट। सॉल्व करिए जरा, ई इंटू आई ए माइनस आई का स्क्वायर इंटू आर ए, क्लियर है जी पॉइंट। ये मेरे पास आ गया पी ऑट, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे डिवाइड बाई डी आई ए, यहाँ पे क्या बचेगा, ई माइनस टू आई ए आर ए, समझ रहे पॉइंट। और इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ राजे, जो मेरे पास इसका आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू टू आई ए आर ए, क्लियर। और अगर मैं यहाँ से आई ए आर ए की वैल्यू निकालूँ, इसको इधर ले जाते हैं, तो कितना बचेगा, दैट इज इक्वल टू आई ए आर ए दैट इज इक्वल टू ई माइनस बी टी। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो भाई, तो देखिए कितना आएगा, ई इज इक्वल टू टू, हाँ जी कितना, ई माइनस बी टी, क्लियर। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, ई इज इक्वल टू टू ई माइनस टू बी टी। ये टू बी टी मेरा इधर आ जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का हो जाएगा, और ई इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ई आ जाएगा, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ, फॉर मैक्सिमम डेवलप पावर बी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजे, ई बाई टू हो जाएगी इन केस ऑफ जनरेटर। दैट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेवलप पावर, लेकिन कब है, इन केस ऑफ जनरेटर। तो भाई ये चीज पता होनी चाहिए आपकी कि जनरेटर के केस में आपका आंसर कितना होगा, क्लियर। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, एफिशिएंसी क्या होती है राजी, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर क्या होती है इन केस ऑफ जनरेटर, दैट इज बी टी इंटू आई ए डिवाइड बाय ई इंटू आई ए। तो ये चीज तो कैंसिल हो जाएगी, इसका मतलब एफिशिएंसी क्या आ जाएगी मेरी, बोलिए जी, बी टी बाई ई। समझ पा रहे हैं भाई पॉइंट। अब मुझे एफिशिएंसी चाहिए जब मेरी मैक्सिमम पावर डेवलप हो रही है, उस केस में मेरी एफिशिएंसी कितनी होगी, वो वाली एफिशिएंसी मैं निकालना चाह रहा हूं। उस केस में भाई बी टी मेरा कितना है, ई बाई टू है, ई बाई टू डिवाइड बाई कितना है, ई, इसका मतलब कितना आया, 1/2 परसेंटेज में चाहिए, इंटू 100 कर देंगे, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई, 50%, क्लियर है जी पॉइंट। इसका मतलब जब मेरी मैक्सिमम पावर डेवलप होगी उस केस में एफिशिएंसी कितनी होगी, 50%। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनेगा कि जब मेरी मैक्सिमम पावर डेवलप होगी उस केस में मेरी कंडीशन क्या होगी, बी टी इज इक्वल टू ई बाई टू, उस केस में एफिशिएंसी कितनी होगी, दैट इज 50%, क्लियर। अगर ये मेरी 50% है, अगर मैं इस कंडीशन के ऊपर अगर आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालूं, तो वो देखिए कितना आएगा। तो ये मेरे पास कंडीशन आ गई थी, यहां से निकाल लेते हैं आर्मेचर करंट कितना होगा, तो आईए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ई डिवाइड बाई टू आर ए, समझ रहे पॉइंट। और आपने न्यूमेरिकल देखे थे भाई, अगर मैं इसको पर यूनिट में चेंज कर लूं, तो वोल्टेज की पर यूनिट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 आर ए पर यूनिट, समझ रहे हैं पॉइंट। मान लीजिए आर ए पर यूनिट आपको बताया भाई वेरी वेरी स्मॉल होता है, कितना होता है जल्दी से बताइए, मान लीजिए 0.02 है, तो आई ए करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 इंटू 0.02, ऊपर कितना चला जाएगा, 100, दैट इज 25 पर यूनिट आ जाएगा। पर यूनिट का मतलब क्या होता है भाई, 25 इंटू फुल लोड करंट। इसका मतलब ये हुआ भाई, जब मेरी मैक्सिमम पावर डेवलप होगी उस केस में आर्मेचर करंट कितना होगा, दैट इज 25 टाइम ऑफ द फुल लोड करंट। इसका मतलब क्या हुआ, करंट इज वेरी वेरी लार्ज। इसका मतलब जो मेरी मैक्सिमम पावर जनरेटर की जो कंडीशन है, दैट इज अनडिजायरेबल, क्लियर। ये क्या राजे, अनडिजायरेबल कंडीशन, क्योंकि आपका जो करंट है भाई वो क्या आ जाएगा, वेरी वेरी लार्ज, दैट इज अनडिजायरेबल कंडीशन, क्लियर है जी पॉइंट। लेकिन थ्रेटिकली क्वेश्चन बन सकते हैं भाई कि आपकी कंडीशन बताइए कब होगी, इन केस ऑफ जनरेटर की बात कर रहा हूं, जनरेटर के केस में जब बी टी ई बाई टू होगा, इस कंडीशन पे मैक्सिमम पावर डेवलप होगी और एफिशिएंसी कितना होगा,
दैट इज 50%, और जो करंट होगा भाई दैट इज अ वेरी लार्ज, समझ रहे पॉइंट, दैट इज अनडिजायरेबल कंडीशन, क्लियर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इन केस ऑफ मोटर, आपके पास पूरा कैलकुलेशन हम फिर करेंगे भाई। मोटर के केस में हम निकालते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप, तो जल्दी से निकालिए भाई, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू योर सेल्फ। तो देखिए भाई मोटर के केस में क्या होगा, आपकी जो आउटपुट पावर आपने मैक्सिमम की कंडीशन निकालनी है, तो पी आउट किसके इक्वल होगा जल्दी से बताइए भाई, इन केस ऑफ मोटर ई ए आई ए, और मोटर के केस में आपका जो ई होता है दैट इज बी टी माइनस आई ए आर ए, समझ रहे भाई पॉइंट। तो पी आउट मेरे पास ये है और ई ए की वैल्यू पुट कर दो भाई, बी टी माइनस आई ए आर ए इन टू आई ए, तो मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, बी टी इन टू आई ए माइनस आई ए का स्क्वायर इन टू आर ए, ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई पी ऑट। तो मुझे मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आई ए और इक्वल टू क्या कर देंगे जीरो, इसका डेरिवेटिव बी टी माइनस टू आई ए आर ए, इसका मतलब आई ए आर ए की वैल्यू कितनी आ गई राजे, बी टी बाई दो, क्लियर। और इस आई ए आर ए को यहाँ पे पुट कर देंगे तो मुझे कंडीशन मिल जाएगी ई इज इक्वल टू, हाँ जी बी टी माइनस आई ए आर ए की वैल्यू कितनी है बी टी बाई दो, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई राजे बी टी बाई दो, क्लियर। तो मोटर के केस में भाई ये कंडीशन आ जाएगी, क्लियर। जब आप एफिशिएंसी निकालोंगे ये भी कितनी आ जाएगी 50%, कब इस कंडीशन पे, क्लियर है जी। तो इन केस ऑफ मोटर आपकी मैक्सिमम पावर कब डेवलप होगी, जब E इज इक्वल टू हो जाएगा बी टी बाई टू, और उस इंस्टेंट पे मेरी एफिशिएंसी कितनी होगी 50%, क्लियर। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे करंट निकालूंगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई जल्दी से बताइए, वेरी लार्ज, समझ रहे हैं पॉइंट। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी वेरी लार्ज, क्लियर। तो अदरवाइज आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं भाई, जो भी ई टी की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे जो भी बी टी की वैल्यू है यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ, आई ए इज इक्वल टू बी टी डिवाइड बाई टू आर ए, इसकी पर यूनिट वैल्यू कितनी होती है 1, मान लिया रेजिस्टेंस कितना है 0.02, तो कितना आ गया था भाई 25 पर यूनिट, और पर यूनिट वैल्यू क्या होती है हाँ जी एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई बेस वैल्यू, क्लियर है जी पॉइंट। इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू करंट इन एम्पियर किसके बराबर आ जाएगा भाई 25 टाइम ऑफ बेस करंट, क्लियर। और बेस करंट आपका कौन सा होता है भाई, आपका रेटेड करंट। तो इसका मतलब ये हुआ आपका जो करंट होगा दैट इज वेरी वेरी लार्ज व्हेन पावर इज मैक्सिमम, इसका मतलब कभी भी मैक्सिमम पावर की कंडीशन हम नहीं यूज करेंगे, अगर यूज करेंगे तो आई ए करंट कितना हो जाएगा 25 टाइम ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मेरे लॉस होंगे वेरी ज्यादा होंगे और उसकी वजह से मेरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी बर्न आउट हो जाएगी, क्लियर है जी पॉइंट। तो ये थे भाई आपके पास कुछ कंडीशंस फॉर मैक्सिमम डेवलप पावर। नेक्स्ट फिर एफिशिएंसी भी देख लो भाई कैसे निकालते हैं। तो एफिशिएंसी के लिए बस ज़्यादा चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ याद रखिए, जो आपकी एफिशिएंसी होती है दैट इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, समझ रहे हैं पॉइंट। और आगे सुनिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर को ऐसे लिख सकते हैं भाई, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। लॉसेस आपके दो तरह के हो सकते हैं भाई, एक तो हो सकते हैं कॉन्स्टेंट लॉस, कॉन्स्टेंट लॉस प्लस वेरिएबल लॉस, वेरिएबल लॉस, क्लियर है जी। तो ये एग्जैक्ट मैं वैल्यू यूज़ करूँगा, तो भाई आपको मैंने बता रखा है कॉन्स्टेंट लॉस कौन से होते हैं और वेरिएबल लॉस कौन से होते हैं, समझ रहे भी पॉइंट। आगे फिर कंडीशन फोर मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, आपके पास आ जाएगा वेरिएबल लॉस दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लॉस, समझ पा रहे हैं भाई पॉइंट। तो ये सारे भाई छोटे छोटे जितने भी पॉइंट है आप इसको नोट कर लेना अपनी अलग एक कॉपी पे, तो आपके साथ जो जो भी ये छोटे छोटे पॉइंट है भाई आपने इसको रिमेंबर रखना है, ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो इस लेक्चर में बस इतनी था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।